हेलो दोस्तों, मैं शैलेश, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कुछ पैसा दे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, सपोज कि अगर आपको बिच्छू काट लेता है तो आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, जब वातावरण और मौसम में परिवर्तन होने के कारण जमीन की जगह सतह गर्म होने लगती है, तब जमीन से कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कि सांप हुआ, बिच्छू हुआ आदि गर्मी की वजह से बाहर निकलने लगते हैं और फ्रेंड्स, ये अपना दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं जो कि ठंडा और भीड़भाड़ वाला ना हो। इस तरह का अपनी जगह ढूंढने निकलते हैं और इन्हीं कीड़े मकोड़ों में से कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक और जहरीले होते हैं, जो अगर इंसान को काट ले तो इंसान पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। और फ्रेंड्स, इन्हीं कीड़े मकोड़े में से एक कीड़ा ऐसा है जो कि बिच्छू अगर किसी को काट ले तो उसे जलन और दर्द बहुत ही होता है, वो आदमी बहुत ही तड़पने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसका इलाज हम आयुर्वेद में इसके लिए कुछ इलाज है जो कि हम घर से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके इलाज के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा, जो कि इस तरह है। देखिए, जिस भी व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया है तो उसे जिस जगह पर काटा है उस जगह पर सबसे पहले तो ऊपरी ओर की ओर आप एक कपड़े से बांध दीजिए और उसके बाद समय बर्बाद ना करते हुए आप सबसे पहले आपमर के पत्ते और मूली के ताज़ा रस को उस काटे हुए जगह पर लगाइए और वहाँ पर जलन और दर्द दूर हो जाता है। इसे लगभग दो से तीन चम्मच उस व्यक्ति को रोजाना 2 से 3 बार दीजिए और इससे जहाँ पर काटी हुई जगह है उस स्थान पर जलन और दर्द कम। और इसी तरह फ्रेंड्स, जिस भी व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा है या फिर काट लिया है उसको सबसे पहले उसका इलाज हम घर के जड़ी बूटियों के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि निर्मली और इमली के बीजों को आप किसी खुरदुरे पत्थर पर 2-4 बूंद पानी डालकर उस पर घिस लीजिए और घिसे हुए पदार्थों को जिस जगह पर काटे हुए स्थान पर आप लगाएं, वहाँ पे जलन और दर्द कम हो जाता है। इसी तरह दूसरा एवं सरल उपाय, आप एक पोटेशियम परमैंगनेट और नींबू के फूल के रस को बारीक पीस कर एक अलग अलग बॉटल में रख लें और उसमें मूंग के दाने जितना जिस स्थान पे बिच्छू ने काट लिया उस स्थान पे मूंग के दाने जितना आप उस पाउडर को रख लें और उसके ऊपर से एक दो बूंद पानी के डालें और इससे उस व्यक्ति को जल्दी आराम मिलता है और उस जगह पर असर जल्दी होता है जहर उतरने के। अगला उपाय सबसे आसान और बहुत ही सरल और सीधा है। एक आप सूखा पत्थर लीजिए, उस सूखे पत्थर को पहले अच्छे से धो दीजिए, उसके बाद में फिटकरी लीजिए, फिटकरी को उस सूखे पत्थर पर घिसिए, उसका जो लेप बनेगा उस लेप को आप व्यक्ति के जिस स्थान पर बिच्छू ने काट लिया है उस स्थान पर लगाइए और इससे बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। अगला और सरल उपाय बहुत ही सीधा और आसान सा है। एक सूखा पत्थर ले लीजिए, सूखे पत्थर को आप अच्छे से धो लीजिए, उस पर फिटकरी लीजिए, फिटकरी को उस पर घिस लीजिए और घिसने के बाद में उसका जो लेप बनेगा उस व्यक्ति को जहाँ पे बिच्छू ने काट लिया है उस स्थान पर उस लेप को लगाइए और लगाने के बाद उसे थोड़ा सा गर्म आग में से एक आग से थोड़ा सा सेक लीजिए, जिससे कि जहर पूरा उतर जाएगा। जो भी बिच्छू या सांप है जिसने भी मींस काटा है उसका जहर उतर जाएगा और आपको वहाँ पे आराम मिल जाएगा। और दोस्तों, सबसे बेहद और ज़रूरी बात, ध्यान रखें कि जब भी आपको किसी बिच्छू या सांप ने काट लिया है तो सबसे पहले आप जिस जगह पर काटा है उससे 4 या 5 इंच ऊपर आप सबसे पहले किसी कपड़े से बांध लीजिए और एक सेफ्टी पिन या फिर सुई इस तरह का कुछ बारीक सी चीज़ उसको गर्म करके जहाँ पे भी आपको बिच्छू या सांप ने काट लिया है वहाँ से
एक सेफ्टी पिन को गर्म करके बिच्छू का डंक निकाल लीजिए, और बाकी ऊपर मीन्स हमने अभी मैंने जो अभी जो इलाज बताया उससे आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ उस बेल आइकॉन को टैप करना ना भूलिए, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।